एक बार मेरे एक रिलेटिव ने पूछा कि क्या स्टडी कर रहे हो। मैंने बोला आई एम स्टडिंग लॉ फ्रॉम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उनका रिप्लाई था कि अगर लॉ ही स्टडी करनी थी तो अपने होम टाउन भिलवाड़ा से ही कर लेते। वेल दिस इज वाई इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि NLU से लॉ करने का कुछ फायदा भी है या फिर नहीं, क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल लॉ कॉलेज में और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मतलब लास्ट सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि NLU से ग्रेजुएट होने पर आपकी एग्जैक्ट सैलरी क्या होती है, बिकॉज हम सबके लिए प्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो ओवरऑल ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या NLU गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं? यस, पर जैसे IITs सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी जाती है, NLU को स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। अब एक और चीज आपको जानना चाहिए कि NLU पैसा कैसे कमाती है। प्राइमरीली दो वे से। फर्स्ट इज फंडिंग थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। लेट्स से गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो गुजरात में एक NLU है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कभी 2 करोड़ रुपए दे दिए, कभी 50 लाख रुपीज दे दिए एंड सो ऑन। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इज स्टूडेंट फी। सो इन दोनों फैक्टर्स के कारण NLU की फीस प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे, जो एक बहुत ही फेमस प्राइवेट कॉलेज है, बट ये पूरी तरह से अपनी फी पे रिलाई करता है अपने आप को रन करने के लिए। एंड इट्स फी इज 4,15,000 रुपीज पर ईयर एंड इट डज नॉट इंक्लूड हॉस्टल एज वेल एज मेस। उसी जगह JNLU की फीस 2,58,000 रुपीज है एज ऑफ नाउ एंड इट इंक्लूड्स मेस हॉस्टल एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे मैंने आपको बताया कि NLU स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी गई होती है एंड इनकी फीस कंपेरेटिवली कम होती है जो वेल नोन प्राइवेट कॉलेजेस है उनसे। नाउ बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। सो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है उनकी एक लीगल टीम होती है। नाउ उस लीगल टीम में मोस्टली NLU स्टूडेंट्स को हायर करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल को अगर अपनी लीगल टीम के लिए हायर करना है तो वो अजमेर में या फिर भिलवाड़ा जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के छोटे कॉलेज में आके हायर नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज वो अच्छा पे करते हैं और उनको बेस्ट लॉयर्स चाहिए। एंड एस क्लैट में अच्छा रैंक लाके आपको NLU मिलता है तो इन कंपनीज को पता होता है कि वहाँ पे हमको कंपैरेटिवली बेटर स्टूडेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी कॉलेजेस होते हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट इन कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो छोटे छोटे कॉलेज, जैसे कोई छोटी सिटी में अगर कुछ कॉलेज है तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को हायर करें। इसलिए तीन वेज होते हैं इनको हायर करने के। फर्स्ट दे आदर गो टू NLU और दे गो टू बिग एंड गुड प्राइवेट कॉलेजेस, और अगर किसी नॉर्मल कॉलेज से भी किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है बट वो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, लाइक 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, तो फिर वो इन कंपनीज में जा सकते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज अच्छे NLU में हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंपनीज में जाके काम करने की। उसी तरह से अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में तो आपके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होता है इनमें जाना। सो यस, द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मच बेटर इन NLU एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस और लोकल कॉलेजेस। ये 2019 की बात है। JNLU मतलब मेरे कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मैं भी था एंड मैंने देखा कि एक गेस्ट थोड़े से एंग्री नज़र आ रहे थे बिकॉज हमें कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी टीम मेंबर से पूछा कि व्हाट्स द नेम ऑफ दिस पर्सन। फिर उनका नाम मैंने इंटरनेट पर सर्च करा। टर्न्स आउट ही वॉज अ वेरी सीनियर IPS ऑफिसर एंड ही वॉज अ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, जहाँ पे जो भी IPS ऑफिसर्स बनते हैं उनको 1 साल के लिए ट्रेन करा जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल हो बट मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में कभी किसी IPS ऑफिसर को देखा तक भी नहीं था, बात तो करना दूर की बात है। बट उस कॉन्फ्रेंस में आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको NLU में प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में और कई सारे NLU में इंटरनेशनल मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से कई सारी टीम्स आती हैं। एनुअल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट एंड डिफरेंट तरह की चीज़ें होती रहती है जो आपको नॉर्मल कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा अगर आप मेरे जैसे स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हो तो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। सो एज यू नो NLU में एडमिशन लेने के लिए क्लैट एग्जाम क्लियर करना होता है। नाउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो NLU में स्टडी नहीं करते वो इंटेलिजेंट नहीं होते, नॉट एट ऑल। दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू थिंक, बट डेफिनेटली दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में NLU में स्टूडेंट क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है। जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में होगे तो आपको इनिशियली बहुत दिक्कत आएगी,
आपको लगे कि ये लोग तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनकी इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी है एंड आपको अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट आप कुछ साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे, अपना पास्ट वर्जन देखोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि उस कॉम्पिटिशन के कारण आपको इनिशियली स्ट्रगल जरूर करना पड़ा था, बट अब आप उसके कारण एक अलग ही लेवल में ग्रो कर चुके हो। सो अगर आप एक पर्सनल लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, देन ज्वाइनिंग एन NLU, देन स्टडिंग लॉ फ्रॉम NLU एज कम्पेयर टू ए स्मॉल कॉलेज इन योर टाउन और ए स्मॉल प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर वुड बी ए गुड थिंग। बाय द वे, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि विच कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड वी ज्वाइन। वेल, पर्सनली मैंने लीगल एज का एक्सटेंसिवली यूज़ करा था अपनी खुद की क्लैट प्रिपरेशन के समय एंड दैट्स व्हाई आई गॉट AIR 501, मतलब ऑल इंडिया रैंक 501 इन क्लैट। आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की मटेरियल्स एज वेल एज डेमो क्लासेस ट्राई करिए एंड गो विद द वन दैट यू फील फाइन, बट मेरी पर्सनल सजेशन लीगल एज रहेगी। सो इफ यू यूज माई कोड Harshal15 यू विल गेट ए 15% डिस्काउंट वाइल बाइंग एनीथिंग फ्रॉम लीगल एज। टॉप रैंकर्स और लीगल एज में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लीगल एज टॉप रैंकर्स की ही कंपनी है। इस चैनल का मेरा रूल है कि मैं कभी भी वो कुछ सजेस्ट नहीं करता हूँ जो मैंने खुद ने ट्राई नहीं करा होता है या जो मैं खुद यूज नहीं करता हूँ। सो यू कैन ट्रस्ट मी रिगार्डिंग लीगल एज। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फाइनली अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो NLU से पढ़ने के बाद मेनली आपका प्लेसमेंट लॉ फर्म्स में होता है। नाउ मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। सो मेरे कॉलेज मतलब GNLU में 2022 में 120 के आसपास स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा था। उसमें से 50-60 स्टूडेंट्स का Tier 1 लॉ फर्म्स में प्लेसमेंट हुआ, जहाँ पे द सैलरी इज अराउंड 1 लाख रुपीज प्लस पर मंथ। बाकी 30-40 स्टूडेंट्स के आसपास का Tier 2 लॉ फर्म्स में प्लेसमेंट हुआ, जहाँ पे द सैलरी इज अराउंड 50,000-90,000 रुपीज। अब इन लॉ फर्म्स के अलावा कुछ कंपनीज भी आती है प्लेसमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक गेव अराउंड 80,000-90,000 रुपीज पर मंथ सैलरी टू द स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल सैलरीज 50,000 रुपीज से 1,20,000 के रुपीज के बीच में होती है अगर आप एक अच्छे NLU से ग्रेजुएट करते हैं तो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डिटेल्ड पोस्ट डाले विद एग्जैक्ट सैलरी, सो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो मेरे डिफरेंट पोस्ट। बट यहाँ पे मुझे आपको एक रियलिटी भी बताने की जरूरत है। ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, स्पेशली जो प्लेसमेंट वाली बात है, वो टॉप 10-12 NLUs के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी अराउंड 25 NLUs हैं इंडिया में, कुछ तो केवल 2-3 साल पहले ही सेटअप हुई है। तो आप ये जो बिल्कुल नए कॉलेजेस है जो 2-3-4 साल पहले सेटअप हुए, उनसे आप इस तरह का एक्सपोजर एज वेल एज इस तरह के प्लेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब यही आइडिया है कि अगर आपका टॉप 10-12 NLUs में सिलेक्शन होता है, वेल एंड गुड। बट अगर आपको लगता है कि किसी भी NLUs में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद लाइफ सेट है, तो ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछते हैं कि अगर हमारा जो न्यू NLUs है उनमें या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन मेक ए गुड करियर इन लॉ। वेल, आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लॉ फर्म्स एंड देन मूव ऑन टू बिगर लॉ फर्म्स। यू शुड राइट रिसर्च आर्टिकल ऑन नीच लॉ टॉपिक्स सच एज इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे मेरे पास रेगुलरली डाउट्स आते रहते थे, मैंने एक ई बुक लिखी है 75 पेजेस की। और उस बुक में मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स को कवर करा है जो आप कर सकते हो एक अच्छा करियर लॉ में बनाने के लिए। ये 75 पेज की ईबुक को मुझे 4 महीने लगे लिखने में एंड आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब शायद तक वो पब्लिश भी हो चुकी होगी। इसे मैं अपनी वेबसाइट वाइसो लीगल एज वेल एज एक और दूसरी वेबसाइट पर अपलोड करूंगा, दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। एंड आई एश्योर यू कि जो भी मैंने चीजें इस बुक में बताई है वो आपको इंटरनेट पे या कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देर आर मेनी चैप्टर्स सच एज हाउ टू अप्लाई फॉर इन हाउस इंटर्नशिप्स, कि आपको CS कोर्स करना चाहिए लॉ के साथ, हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट इन एन ईमेल सो दैट यू कैन गेट इन गुड इंटर्नशिप एंड सो ऑन। सो ओवरऑल ये मेन डिफरेंसेस होते हैं एक NLU से और एक लोकल कॉलेज से लॉ स्टडी करने में। आई होप दिस वीडियो सॉल्व योर डाउट्स। डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहां पे आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।